हेलो दोस्तों, मैं हूँ लवली। आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कुक विद लवली में। दोस्तों, आज हम आपके लेकर आए हैं बहुत ही इजी तरीके से खस्ता फूली फूली हरी मटर की कचौड़ी की रेसिपी, और इसके साथ हम आपको बताएंगे आलू की टेस्टी से सब्जी की रेसिपी जो कचौड़ियों के साथ खाई जाती। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं फाड़ कर भी दिखा रही हूँ कचौड़ी को, अंदर अच्छे से स्टफिंग मटर की भरी हुई है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और चैनल पर नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बनाना। दोस्तों, हमने यहाँ पर सबसे पहले लिया है 1 किलो मैदा, इसको हमने छान के लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक हमने डाला है इसमें 1.5 चम्मच नमक, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, थोड़ा कम ही डालें क्योंकि जो अंदर स्टफिंग भरी जाएगी उसमें भी नमक होगा, और इसको हम सब्जी के साथ खाएंगे इसलिए। और अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच क्रश करके अजवाइन। दोस्तों, अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे मैदा में। दोस्तों, अच्छे से हमने सभी चीज़ को मैदा में मिक्स कर लिया। अब इसमें हम डालेंगे, हमने यहाँ पर लिया है रिफाइंड ऑयल। तो दोस्तों, हमने इसको लिया हमने 1 बाउल, और वजन से है 200 ग्राम। दोस्तों, 1 किलो मैदा में हमें 200 ग्राम रिफाइंड ऑयल चाहिए। आप इसके जगह घी भी ले सकते हो। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पहले अच्छे से मिलाएंगे, मतलब थोड़ा करके पहले डालेंगे थोड़ा, फिर अच्छे से मिलाएंगे, फिर और डालेंगे रिफाइंड ऑयल। जब तक इस तरीके से मतलब मोटी नहीं बननी चाहिए, तब तक हम इसमें अच्छे से मिलाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अच्छे से रिफाइंड ऑयल को हम मैदा में मिक्स करेंगे। दोस्तों, हमने अच्छे से रिफाइंड ऑयल को मैदा में मिक्स कर लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं इस तरीके से मिट्टी से जो मैदा है वो दाब रही हूँ। तो इस तरीके से बिल्कुल दबनी चाहिए, तो बिल्कुल ये बिल्कुल परफेक्ट। इतना ही हमें इसमें ऑयल डालना है। तो आप दोस्तों, इसको हम अच्छे से मार लेंगे। दोस्तों, इसको हमें थोड़ा टाइट ही मारना होता है, तो इसको मार लेते हैं हम। पानी डालेंगे और मार लेंगे इसको। दोस्तों, जो हमारी मैदा है वो मर चुकी है, इसमें हमने थोड़ा सा ऊपर से रिफाइंड ऑयल को लगा लिया, जिससे जो मैदा है वो चिपके ना और चिकनी हो जाए। तो अब इसको हम थोड़ा सा और मतलब स्मूथ कर लेंगे। तो दोस्तों, हमारी जो मैदा है अच्छे से गूंथ कर तैयार हो गई है। दोस्तों, अब जो मैदा है वो गूंथ के तैयार हो गई, इसको हम साइड में ढककर रख देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। तब तक जो हमारी जो कचौड़ी में स्टफिंग भरेंगे वो तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों, हमने कचौड़ी में स्टफिंग भरने के लिए यहाँ पर लिया है, जो आज हम हरी मटर से कचौड़ी बना रहे तो हरी मटर तो चाहिए। तो हमने यहाँ पर जो 1 किलो फली होती ना, उसमें से हरी मटर को निकाल लिया है। तो और यहाँ पर लिया है 4 हरी मिर्ची, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा। अब इसको हम एक मिक्सी में डालकर दरदरा पीस लेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम स्टफिंग को पीस लेते हैं। तो दोस्तों, हमने मटर को पीस लिया दरदरा, बिल्कुल इसी तरीके से हमें मटर को पीसना है। तो चलिए दोस्तों, अब मटर को हम
फ्राई कर लेते हैं। तो एक कढ़ाई रखेंगे सबसे पहले हम गैस पर, और इसमें हम डालेंगे 2 बड़ी चम्मच रिफाइंड ऑयल। ऑयल को हम गर्म होने दें। तो दोस्तों ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, और जीरा है उसको हम चटकने देंगे। और गैस की फ्लेम हमें लो टू मीडियम पर रखनी है। फिर इसमें हम डालेंगे 2 पिंच इतनी हींग। दोस्तों इस कचौड़ी में आप हींग जरूर डालें। तो दोस्तों जीरा अच्छे से भून चुका, अब इसमें हम डालेंगे 4 से 5 बड़े चम्मच बेसन को भर के। दोस्तों जो हमारी जो कचौड़ियाँ हैं उसमें बेसन का टेस्ट अच्छा आता है, तो दोस्तों आप ये ज़रूर डालें बेसन। और बेसन को डालकर हम अच्छे से भूनेंगे पहले बेसन को, और गैस फ्लेम अब हम लो पर कर देंगे। तो 2 से 3 मिनट के लिए पहले हम बेसन को भून लेंगे, उसके बाद हम इसमें मटर का पेस्ट को डालेंगे। तो चलिए दोस्तों हम बेसन को भून लेते हैं। तो दोस्तों हमने बेसन को भून लिया है, अब इसमें हम डालेंगे मटर के पेस्ट को, जो हमने पेस्ट कर रखा था ना वो हम इस कढ़ाई में डाल देंगे। अब दोस्तों हमें गैस की फ्लेम को हमें अभी भी लो पर ही रखनी है, और अब इसको हमें अच्छे से भूनना है। जब तक जो अभी पेस्ट की फॉर्म में आपको दिख रहा होगा, इसको हमें तब तक भूनना है जब तक जो मटर एकदम बिखरी बिखरी सी ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों हम अच्छे से मटर को भून लेते हैं। दोस्तों मटर को हमें भूनते भूनते 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अब इस वक्त हम इसमें मसाले डालेंगे ताकि जो मसाले हैं वो भी मटर के साथ भुन जाए। तो इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्ची पाउडर, और डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब हमने ये सभी मसाले को डाल दिया है, अब हम फिर से मटर के साथ इन मसालों को भूनेंगे। तो जो ताकि जो सूखे मसाले हमने डाले थे कच्चे, वो भी मटर के साथ पक जाएंगे, इसलिए हमने अभी मसालों को डाला है। तो अब अच्छे से मटर को पका लेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारे मटर है वो थोड़ी खिली खिली सी हो गई है, पर हम ये मतलब इसको और ज़्यादा हमें एकदम विकरा विकरा बनाना है। तो चलिए दोस्तों मटर को फ्राई कर लेंगे। तो लो दोस्तों जो हमारी मटर है इसको हमने अच्छे से भुना हुआ है, और आप यहाँ पर देख सकते हो जो हमारी मटर है वो एकदम खिली खिली हो गई है। बिल्कुल इसी तरीके से हमें जो कचौड़ियाँ में स्टफिंग भरी जाती है उसके लिए इसी तरीके से मटर होनी चाहिए। तो दोस्तों अब हमें कर देना है गैस को बंद, और इसमें हमें डाल लेना है कटा हुआ धनिया पत्ती। इसको डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको हमें एक बाउल में निकाल लेना है। दोस्तों जब तक उधर जो हमने मैदा को गूंथ कर रखा है वो सेट हो रहा है, तब तक इधर हम आलू की टेस्टी सी सब्जी को बना लेते हैं, तब उसके साथ हम खाएंगे। तो दोस्तों हमने आलू की सब्जी को बनाने के लिए यहाँ पर लिया है 1 किलो बॉइल आलू, उसको हम मैश कर लेंगे। तो और फिर यहाँ पर 4 हरी मिर्ची, उसको हम पीछे से डंठल है वो तोड़ देंगे और 2 पीसों में तोड़ लेंगे। और यहाँ पर लेंगे थोड़ा सा अदरक, अब इसको हम कूट लेंगे। तो दोस्तों हमें अदरक और मिर्ची को दरदरा ही कूटना होता है। दोस्तों इस सब्जी में लहसुन प्याज का यूज नहीं होता है, ओनली हम
जो अदरक है और मिर्ची है यही डालेंगे ना, आप टमाटर डालिएगा इसमें। तो दोस्तों इसको हम दरदरा कूट लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा अदरक लहसुन नहीं अदरक और मिर्ची है वो दरदरा कूट लिया है। अब जो हमने आलू थे उसको मैश कर लेंगे हम। और दोस्तों पूरा एकदम मैश नहीं करना, थोड़ा सा हम इसके टुकड़े बनाए रखने हैं तभी जो सब्जी में स्वाद आएगा। तो दोस्तों अब हमने रखी गैस पर एक कढ़ाई। दोस्तों हमने यहाँ पर आयरन की कढ़ाई ली है, जो आयरन की कढ़ाई में जो ये सब्जी होती है वो ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो आप दोस्तों हो सके तो आयरन की कढ़ाई लें। और तो दोस्तों इसमें हमने डाला है 1 बड़ा चम्मच सरसों का ऑयल, और ऑयल को गर्म होने दिया है। फिर उसके बाद डाला है 1/2 चम्मच जीरा, जीरा को चटकने दिया है। फिर हींग डालिए 1 पिंच इतनी। फिर डालेंगे इसमें 1 तेज़पत्ता, 2 लाल मिर्ची सूखी। दोस्तों फिर इसमें हम डालेंगे 1 बड़ी इलायची और डालेंगे 8 से 10 लौंग और 8 से 10 काली मिर्ची। और इसमें फिर डालेंगे हम जो हमने अदरक और मिर्ची को पीस कर रखा है दरदरा, वो हम इस कढ़ाई में डाल लेंगे और इसको हमें भून लेना है। तो चलिए दोस्तों हम अदरक और मिर्ची को भून लेते हैं। तो दोस्तों हमने अदरक और मिर्ची को भून लिया है, 1 मिनट हो चुकी है। अब इसमें हम कुछ डालेंगे सूखे मसाले, जिसमें हम डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर और डालेंगे 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और इसमें जाएगा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब जो हमने सूखे मसाले डाले हैं इसको हमें जो ऑयल डाला उसमें कुछ सेकंड तक भून लेना है, जैसे कि जो सूखे मसाले उसका कच्चा फ्लेवर सब्जी में ना आए। तो हमें थोड़ा सा भून लेंगे। तो दोस्तों जो हमारे सूखे मसाले वो भून के तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे बेसन। दोस्तों इस सब्जी में हमें फिर से बेसन डाला, तो इस सब्जी में हमें 2 चम्मच केवल बेसन को डालना है। अब हम बेसन को भी भून लेंगे धीमी गैस पर। दोस्तों जो हम इस सब्जी में बेसन डालेंगे उससे जो सब्जी है वो ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो दोस्तों आप बेसन डालना बिल्कुल ना भूलें, और सब्जी बेसन तो थोड़ी थिक भी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों हम बेसन को धीमी आंच पर भून लेते हैं। तो दोस्तों जो हमारे बेसन है वो तो हमने भून लिया। अब इसमें हम डालेंगे वो मैश किए हुए आलू। और दोस्तों एक आलू नीचे रह गया था, ये हमने मैश नहीं कर पाया, तो इसको हमें ऐसे ही कच्चे से फोड़ लेना है। और आलू को हम अच्छे से मिलाएंगे सब्जी के साथ, मसालों के साथ हम आलू को अच्छे से मिला लेंगे। दोस्तों हमने मसालों के साथ आलू को मिला लिया। अब इसमें हम डालेंगे पानी। दोस्तों हम इसमें डालेंगे 1.5 लीटर पानी। पानी को हम अच्छे से आलू के साथ मिलाएंगे और इसको हम ढक देंगे, ढककर उबाल आ जाने तक पका लेंगे। दोस्तों इसमें हमें 2 उबाल आ जाने तक पका लेना है। तो चलिए दोस्तों अच्छे से हम पका लेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी सब्जी है उसमें उबाल आना स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों अब इसको हमें ऐसे खुले 5 मिनट के लिए पका लेना है, और गैस की फ्लेम हमें मीडियम टू हाई पर रखनी है। दोस्तों इसी समय हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, और जाएगा इसमें 2 चम्मच ये कसूरी का पाउडर है तो हमने ये डाला, कसूरी मेथी होती है ना उसका पाउडर है। आप कसूरी मेथी हो सूखी उसको क्रश करके भी डाल सकते हो। अच्छे से हम मिक्स करेंगे और इसको हमें 5 मिनट के लिए पका लेना है। तो दोस्तों 5 मिनट हो चुके हैं, और जो हमारी सब्जी है वो टेस्टी सी बन के तैयार है। अब इसमें हरा धनिया डाल देंगे, जो हमने काट कर रखा है हरा धनिया पत्ती उसको हम डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो दोस्तों अब गैस की
फ्लेम को हमें ऑफ कर देना है। तो दोस्तों हमारी जो कचौड़ी के साथ खाई जाती है वो सब्जी बनके तैयार है। तो दोस्तों अब जो सब्जी तो बन गई है, बस कचौड़ी को हमें फ्राई कर लेना है। तो चलिए दोस्तों कचौड़ी को हम बना लेते हैं। दोस्तों अब हम रख देते हैं कढ़ाई में, सबसे पहले ऑयल को गर्म होने तक तो हम अपनी कचौड़ियों को बना लेंगे। तो हम इसमें ऑयल को डाल देंगे और गैस को हमें लो पर रख देना है और इसको हम गर्म होने देंगे तो हम कचौड़ी को तैयार कर लेंगे बनाकर। दोस्तों जो हमारी कचौड़ी का डो था वो रखे हुए 30 मिनट हो चुके हैं और जो हमारा डो है एकदम सेट होके तैयार है। अब इसमें से हम कचौड़ी बनाने के लिए लोई को तोड़ेंगे। तो हमें मीडियम साइज की लोई को तोड़ना है। जिस तरीके से आपको बनानी कचौड़ी बड़ी या छोटी उस तरीके से आपको लोई को तोड़ लेना है। तो दोस्तों मीडियम साइज की कचौड़ियाँ बना रहे हैं तो मीडियम साइज के हमें लोई को तोड़ लेना है। अब इसको हमें इस तरीके से हाथों की सहायता से, उंगलियों की सहायता से इस तरीके से हमें इसको फैलाना है और इसमें हम भरेंगे अंदर स्टफिंग। तो इस तरीके से हमें इसको फैलाना है। अब दोस्तों इसमें हम स्टफिंग भरेंगे, तो एक चम्मच हमें इसमें स्टफिंग भर लेनी है। अब दोस्तों हम इस तरीके से इसको बंद करेंगे स्टफिंग को अंदर दबाते हुए, और इस तरीके से हम बंद कर लेंगे। तो दोस्तों जो हमने स्टफिंग को कचौड़ी के अंदर भर लिया है, अब इसको हम बेलना की सहायता से बिल्कुल हल्का सा बेलेंगे और बिल्कुल हल्का बेलन चलाएंगे, नहीं तो जो कचौड़ी फट भी सकती है। तो बिल्कुल हल्का, बिल्कुल इसी तरीके से हमें कचौड़ियों को बनाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से कचौड़ी बनाना बता दिए, और एक तरीका और है, इस तरीके से भी आप कचौड़ी बना सकते हो। तो दोस्तों फिर से हम लोई को तोड़ेंगे और फिर से गोल करेंगे हम लोई को। और हम डायरेक्ट अब लोई को बेलन से हल्का सा बेल लेंगे इस तरीके से, और फिर से इसमें हम भरेंगे स्टफिंग, और स्टफिंग भर के फिर से इस तरीके से हम बंद करेंगे स्टफिंग को, इस तरीके से कर लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी स्टफिंग है इस तरीके से बंद हो गई है, और इसको हम बेल लेंगे। तो दोस्तों ये भी हमारी कचौड़ी उसी तरीके से बनके तैयार हो गई है। तो ये थोड़ी जल्दी बन जाती है। और दोस्तों अब तीसरा तरीका बता रही हूँ, फिर से हम तोड़ेंगे लोई को और गोल करेंगे, और फिर से हम जो लोई है उसको हम थोड़ा सा बेल लेंगे बेलन की सहायता से, और फिर से इसमें हम भरेंगे स्टफिंग। तो स्टफिंग आप अपनी मर्जी से भर सकते हो कम ज़्यादा, और फिर से हम स्टफिंग को बंद करेंगे इस तरीके से। तो लो स्टफिंग हमारी बंद हो गई है। अब हम जो दोस्तों जो हमारी स्टफिंग है अच्छे से हम इसको बंद कर लेना है, नहीं तो जो कढ़ाई में जाकर ये खुल जाएगी और हमारी स्टफिंग सारी ऑयल में बह जाएगी। तो अब बात का जरूर ध्यान रखें। अब दोस्तों इस तरीके से हमें हथेली की सहायता से दबा देना है। तो दोस्तों हथेली की सहायता से हमें इस तरीके से दबा देना और हमारी जो कचौड़ी वो बन के तैयार होगी। तो दोस्तों ये सबसे आसान तरीका है बनाने का कचौड़ी को। तो दोस्तों हम कचौड़ी को बना लेंगे। तो इधर हमने ऑयल को चेक किया है थोड़ा सा मैदा डाल के, तो जो मैदा है वो ऊपर तैर कर आ रही है। तो दोस्तों आप समझ जाइए जो हमारी ये कचौड़ियाँ बनाने के लिए ऑयल बिल्कुल परफेक्ट गर्म हुआ है। तो दोस्तों अब हम इस ऑयल में कचौड़ियाँ डालेंगे। तो दोस्तों हमें चार चार पांच पांच करके कचौड़ियों को
फ्राई करते जाना, और गैस की फ्लेम हमें इस वक्त बिल्कुल लो पर रखनी है दोस्तों। इस वक्त आप ध्यान रखें, अगर आप मीडियम या हाई पर कर देंगे तो जो हमारी कचौड़ी है उसमें बिल्कुल मुलायम बनेगी और उस पर बुलबुले आ जाएंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर कचौड़ी, दोस्तों इस तरीके से ही हमें अब कचौड़ी को सेंक लेना है। बिल्कुल इसको हमें अब टच नहीं करना है, ऐसे ही सेंक लेंगे। देख सकते हो आप जो हमारी कचौड़ी है वो फूलने लगी हैं। तो दोस्तों 2 मिनट हो चुके हैं और अब यहाँ पर हो गई हैं 3 मिनट, और जो हमारी कचौड़ी सारी फूल गई हैं। अब इनको हम पलटेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से हमें इसको पलटेंगे। तो देखिए दोस्तों नीचे से ये हल्की गोलेमान हो गई हैं। तो दोस्तों अब इनको हमें नीचे से भी सेंक लेना है। तो दोस्तों इनको हमें गोला ब्राउन कर लेना है दोनों तरफ। तो चलिए दोस्तों इनको हमें सेंक लेंगे। तो दोस्तों हमारी जो कचौड़ियाँ करारी करारी सिक्के तैयार हो गई हैं। इनको हमें कढ़ाई से बाहर निकालते जाना। तो देख सकते हैं आप जो हमारी कचौड़ी बिल्कुल हलवाई जैसी बनके तैयार हुई हैं। दोस्तों ऐसे ही हम सारी कचौड़ी को तैयार कर लेंगे। दोस्तों तो हमारी ये करारी करारी खस्ता हरी मटर की खस्ता कचौड़ी बनके तैयार हो गई है, फूली फूली आप यहाँ पर देख सकते हो। और ये हमारी गर्मा गर्म आलू की टेस्टी सी सब्जी। तो दोस्तों हमारी आलू की सब्जी बनके तैयार हो, गर्मा गर्म टेस्टी सी मटर की फूली फूली खस्ता कचौड़ी बनके तैयार है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं फाड़ कर दिखा रही हूँ, अंदर अच्छे से स्टफिंग भरी हुई है और एक खस्ता भी बनी हुई है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार टेस्टी सी रेसिपी लाते रहेंगे। दोस्तों आप फिर मिलते हैं अगली को न्यू मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।